हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे सीरत व्लॉग्स के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दर्शन करवाना चाहता हूं हरिद्वार हर की पौड़ी पे। आज तुलसी विवाह और एकादशी का दिन है, यानी कि देवउठनी का दिन है आज। तो आज हरिद्वार के अंदर आपको लाइव दर्शन करवाना चाहता हूँ। कितनी भीड़ है आप यहाँ पर देख रहे हो कि श्रद्धालुओं की बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़ है और बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुँचे हैं। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी जो होती है उस दिन तुलसी का विवाह होता है और इस दिन बहुत सारे श्रद्धालु हरिद्वार के अंदर माँ गंगा के दर्शन करते हैं और माँ गंगा का जो है स्नान करके अपने पुण्य के भागी बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर घाट के ऊपर बहुत ही अधिक भीड़ है और जगह जगह पर आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए, जगह ही जगह पर, हर जगह पर, हर घाट के ऊपर श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज देवउठनी का जो स्नान होता है दोस्तों, वो शुभ माना जाता है। आज के दिन देव उठाए जाते हैं और तुलसी विवाह जो है वो शुरू होता है और आज के दिन के बाद में शादियों का जो सीजन है वो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हरिद्वार के अंदर इस समय बहुत अधिक भीड़ है भक्तों की और जगह जगह से श्रद्धालु जो है वो दर्शनों के लिए आए हुए हैं। तो हरिद्वार के अंदर हल्के थोड़े छोटे बादल छाए हुए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हर घाट के ऊपर, नाई घाट, ब्रह्मकुंड, हर की पैड़ी, हर जगह पर आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। तो आज के ताज़ा दर्शन आप कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे सामने आप देखिए माँ गंगा की मूर्ति और भगवान भोले शंकर की मूर्ति है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और गंगा जी का जो जल है वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल जो है वो साफ बह रहा है। तो इतना पवित्र जल है, आप यहाँ पर देखो कि इसके जितना कोई भी जल है वो पवित्र नहीं है। तो साथियों, आप हरिद्वार के अंदर आ सकते हो, क्योंकि इस सप्ताह के अंदर और अगले सप्ताह के अंदर बहुत सारे जो है वो त्यौहार आ रहे हैं। जैसे कि 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है और उस दिन जो है वो श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिवस भी है। तो आप यहां पर जो है वो पहले ही अपना होटल वगैरह बुक कर सकते हो, धर्मशाला बुक कर सकते हो। आपको जो है वो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, धर्मशालाएँ जो है वो मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बहुत ही अधिक श्रद्धालु संख्या में पहुंच रहे हैं हरिद्वार के अंदर और आप भी जो है अपना होटल, अपना रूम आसानी के साथ में बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए किस प्रकार से जो है वो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है इस ठंडे जल के अंदर जो है वो स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है और दूर से देखिए माँ गंगा का सुंदर व्यू और सुंदर नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। माँ गंगा का जल जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव से यहाँ पर बह रहा है। मैं आपको अलग अलग घाट के दर्शन कराऊंगा। अभी देखिए आप यहाँ से जो है वो हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और यहाँ पे घंटाघर के दर्शन कर रहे हैं। सामने से जो है आपको माँ गंगा का जो है वो स्वरूप दिखाई दे रहा है और श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अब आपको जो है वो घंटाघर के पास से आपको दर्शन करवाता हूँ ब्रह्मकुंड के। तो यहाँ पर आप सामने ब्रह्मकुंड को देख रहे हैं और ब्रह्मकुंड के अंदर जो है वो देखिए कितने सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पर। और दूर से देखो तो दोस्तों, मौसम बहुत ही सुहावना मौसम है, हल्के बादल छाए हुए हैं और आने वाले सप्ताह के अंदर जो है वो हरिद्वार के अंदर लगभग 25 से 30 डिग्री तापमान रहेगा। आप यहाँ पे धनुष वाला पुल देख रहे हो दोस्तों, बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो अलग अलग घाट पे स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज तुलसी विवाह यानी कि देवउठनी का दिन है और एकादशी का दिन है। आज के बाद में शादियों का जो सीजन है, विवाह का जो सीजन है वो शुरू हो जाता है और श्रद्धालुओं की भीड़ आप यहाँ पर जगह जगह पर देख रहे हैं। तो श्रद्धालु देखिए, हर जगह पे आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं और आप भक्तों के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे माँ गंगा का। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ब्रह्मकुंड से माँ गंगा के मंदिरों के दर्शन करिए। यहाँ पर सामने अस्थि प्रवाह घाट है, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग आपको स्नान करते हुए नज़र आएंगे। तो माँ गंगा का स्वरूप आप देख सकते हो किस प्रकार से। इस समय में दोस्तों, हरिद्वार के अंदर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले सप्ताह के अंदर 27 तारीख को, यानी कि दिन सोमवार को, 27 नवंबर को जो है वो कार्तिक पूर्णिमा है और 26 तारीख को देव दिवाली भी मनाई जाती है। तो देव दिवाली के दिन जो है वो दीपदान किया जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो इस दिन देवता जो है वो धरती पर आए थे। तो 26 तारीख को देव दिवाली है, दिन रविवार का दिन है और
उसके बाद में 27 तारीख को गुरु पर्व यानी कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा भी आ रहा है और 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो दोस्तों अपना श्रद्धालु जो भी है अपने होटल वगैरह बुक करवा सकते हैं, धर्मशालाएँ आपको हर की पौड़ी के पास में बहुत सारी धर्मशालाएँ मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको 500 रुपये से लेकर के 1000, 1500, 2000, 4000, 5000 तक होटल और धर्मशालाएँ आपको आसानी से मिल जाएंगी। और उस दिन जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी भीड़ रहेगी, तो इसलिए जो है आप अपना पहले ही जो है वो रूम वगैरह आप बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अधिक संख्या के अंदर श्रद्धालु हरिद्वार में पहुँच रहे हैं क्योंकि हरिद्वार के अंदर इस समय बहुत ही सुहावना मौसम रहता है, हल्की हल्की जो है वो धूप रहती है, कभी मौसम गर्म रहता है कभी ठंडा रहता है, तो शाम के समय में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे दूर से दर्शन करेंगे तो इस सामने वाली पहाड़ी पे दोस्तों माँ चंडी देवी का जो है वो मंदिर है, आप माँ चंडी देवी और माँ मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। सामने वाली पहाड़ी पे हर की पौड़ी से सीधा ही माँ चंडी देवी के मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे। सामने जो है वो भागीरथी पुल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप घंटाघर को देखिए कितने सारे श्रद्धालु आपको नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों जगह जगह पे आपको जो है वो माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। सामने पहाड़ी पर आप देख रहे हैं माता मनसा देवी जी का मंदिर है और मनसा देवी मंदिर जी पर भी आप जो है वो दर्शन कर सकते हैं। माँ चंडी देवी के दर्शन करिए, बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है वो गंगा जी के जो मुख्य मंदिर है वहाँ का दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अधिक जो साथी लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं श्रद्धालु, और बहुत ही अधिक संख्या में लोग पधारे हैं छठ पूजा के दिन। घंटाघर के दर्शन आप कर सकते हैं और माँ गंगा के पवित्र मंदिर जो है यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। आपको जो है वो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अधिक भीड़ है यहाँ पर आज छठ पूजा के दिन। और आपको अन्य दिनों की बजाय आज यहाँ पर जो है वो अधिक भीड़ नजर आ रही है, बाजार बिल्कुल जो है बहुत ही अधिक भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हरिद्वार में आने के लिए आप जो है वो ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, और यहाँ पर हरिद्वार के अंदर ट्रेन का रेलवे स्टेशन और हरिद्वार का बस स्टैंड बिल्कुल आमने सामने है। वहाँ पर आप पूरे भारत में कहीं से भी आपको ट्रेन मिल जाएगी, कहीं के लिए भी ट्रेन मिल सकती है और आपको बस भी हर जगह के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों सामने से देखिए कितनी सारी भीड़ है भक्तों की इस समय में, तो दोपहर के समय में और शाम के समय में अधिक भीड़ रहती है, रात्रि को थोड़ा सा भीड़ कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर बहुत ही अधिक भीड़ है, तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो हमेशा लगी रहती है क्योंकि ये एक शुभ समय है यहाँ पे स्नान करने का। तो भक्त लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, देखिए तो अलग अलग दिन जो है वो अलग अलग स्नान होता है, माँ गंगा की आरती का आनंद आप ले सकते हैं। शाम के समय में 6:15 बजे के आसपास या 5:30 के आसपास 6 बजे के आसपास जो है माँ गंगा की आरती होती है, तो आपको पहले ही जा करके अपना स्थान ग्रहण करना होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर गंगे दोस्तों, नमामि गंगे, जय हिंद।